लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कवायद तेज। बूथ स्तर पर होगा विभिन्न बैठकों का आयोजन। बूथ के पन्ना प्रमुख के साथ होगी पहली बैठक। देहरादून में अग्निवीर योजना का मामला। बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा, युवाओं को 4 साल सेवा का मिला मौका। बीजेपी हर धर्म की समस्या के निराकरण को तैयार। रुद्रपुर में मतदान अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। 2 पालियों में 1730 मतदान अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। चुनाव को पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के निर्देश। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी मुख्यालय देहरादून में बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की पत्रिका देव कमल का भी विमोचन किया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भारी बहुमत के साथ जीत का दावा भी किया। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सबके लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा दिन है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई, सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन हो गया। उसमें हमारे कई कई पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने खपाया है। मैं उन सबको भी नमन करना चाहता हूँ, उन सबका जो कि दिल से मैं स्मरण करना चाहता हूँ जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक। भारतीय जनता पार्टी अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर राजधानी देहरादून के पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। 45वें दिवस पर कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का संकल्प लिया है। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सबके लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा दिन है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई, सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन हो गया। उसमें हमारे कई कई पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने खपाया है। मैं उन सबको भी नमन करना चाहता हूँ, उन सबका जो कि दिल से मैं स्मरण करना चाहता हूँ जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। और हमारे लिए इस बार का स्थापना दिवस जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, तपस्वी और देवतुल्य कार्यकर्ता, उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आज हमारे पार्टी के स्थापना के 44 साल हो गए हैं। और उन तमाम स्तंभों को भी मैं याद कर रहा हूँ जिनके कारण आज हम लोग देश में जहाँ हमारी सरकार है, 17-18 राज्यों में हमारी सरकार है। और आप ये कह सकते हैं कि जो यात्रा 1980 में चली, आज 2024 में हम लोग हैं। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर करेंगे। करण माहरा को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। पूर्व अध्यक्ष अतुल रावत ने करण माहरा को मानहानि का नोटिस भेजा है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं अतुल रावत। अधिवक्ता संजीव कुमार शर्मा के जरिए करण माहरा भेजा गया है। करण माहरा पर अनियमितता का आरोप लगाया है। राजीव गांधी आवास योजना को लेकर नोटिस जारी किया गया है। करण अपने बयान पर 15 दिन में मांगे माफी। इस वक्त की बड़ी खबर, करण माहरा को मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। राजीव गांधी आवास योजना को लेकर नोटिस उन्हें भेजा गया है। 15 दिन में बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की गई है। अधिवक्ता संजीव कुमार ने जानकारी दी। देहरादून
फैसले की बड़ी खबर, करांज माहरा को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। राजीव गांधी आवास योजना को लेकर नोटिस भेजा गया। कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हुए अतुल रावत, अधिवक्ता संजीव कुमार शर्मा के जरिए करण माहरा को नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, करण माहरा को मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। चुनावी मैदान में कांग्रेस के कई प्रत्याशी उतरेंगे। 40 दावेदार 5 लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करेंगे। स्टार प्रचारकों में मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कुमारी शैलजा भी शामिल हैं। खबर देहरादून से है, जहां 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अलर्ट मोड में, जिसके अंतर्गत कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि चुनावी मैदान में कांग्रेस के 40 दावेदार उतरेंगे। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि चुनावी रण में कांग्रेस के 40 दावेदार उतरेंगे, 5 लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जो लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए लगातार प्रचार प्रसार करेंगे। चुनावी मैदान में कांग्रेस के 40 दावेदार उतरे हैं। देहरादून में बीजेपी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी का झंडा फहराया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि 45वें दिवस पर कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का संकल्प लिया। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी का झंडा फहराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तस्वीरें देहरादून से, जहां प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी का झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के 45वें स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के श्रीनगर में घर के आंगन में घात लगाकर बैठा गुलदार 7 वर्षीय बच्ची को उठाकर ले गया। आपको बता दें कि गुलदार बच्ची घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर घायल अवस्था में मिली। गंभीर हालत में उसे बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अस्पताल प्रशासन से बच्चे को उचित इलाज देने के निर्देश दिए हैं और वन विभाग और प्रशासन को घटना का संज्ञान लेने के निर्देश दिए, जिस पर मौके के लिए प्रशासन और वन विभाग की टीम रवाना हो गई है। वन विभाग के खिलाफ लोगों ने आक्रोश जाहिर किया है। खबर पौड़ी से है, जहां गुलदार ने 7 साल की बच्ची को अपना शिकार बना लिया। बच्ची घर से करीब 100 मीटर दूर मिली है। बच्ची की हालत गंभीर थी। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुद्रप्रयाग में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज रुद्रप्रयाग विधानसभा के जपली ब्लॉक में आयोजित इस बहुत ही कम समय में, अभी जैसा विधायक जी यहां से बोल रहे थे, कल ही आप सब लोगों को जानकारी हुई और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में भाई अनिल बलोनी जी को अपना सांसद चुनने के लिए
प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हुए हैं, अभी आप सबके समक्ष बहुत विस्तार से बलूनी जी ने बहुत विस्तार से आपके सामने बहुत सारी बातें यहां पर रखी। हमारे सांसद के प्रत्याशी, आप सबके भाई, मेरे भी मित्र भाई, हमने जिनको 19 तारीख को एक रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहां से जिताकर भेजना है, भाई अनिल बलूनी जी हमारे इस रुद्रप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय एवं जुझारू विधायक, जो लगातार इस क्षेत्र के लिए प्रयास करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं, विकास के कामों को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय भरत चौधरी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री महावीर सिंह पवार जी जिला पंचायत अध्यक्ष, अमरदेव शाह जी लोकसभा के पूरे गढ़वाल लोकसभा के संयोजक, श्री विजय कपड़वाण जी विधानसभा प्रभारी, शकुंतला जगवाण जी जिला प्रभारी, ऋषि कंडवाल जी, सुमन तिवाड़ी जी, अजेंद्र जी पूर्व अध्यक्ष हमारे, श्री दिनेश उनियाल जी अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी, भाई कुलदीप रावत जी प्रसिद्ध व्यवसायी हमारे, श्री मोहन काला जी, कहां बैठे मोहन काला जी, सर महिला मोर्चा की अध्यक्ष सविता भंडारी जी, महिला मोर्चा प्रदेश की सरला खंडूरी जी, अरुण चमोली जी हमारी छात्र संघ की अध्यक्ष बहन, एवं सभी मंडलों के हमारे मंडलों के सभी पदाधिकारी, सभी मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, समस्त पंचायतों के प्रतिनिधि, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सभी मोर्चों के, अनुसूचित मोर्चा, सभी मोर्चों के आए हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारी हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबका आज इस सभा में यहां आने के लिए, यहां पधारने के लिए आप सबका मैं अपनी ओर से, भाई अनिल जी की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, आपका सबका अभिनंदन करता हूं, और बाबा केदार की इस भूमि को प्रणाम करता हूं, सी झुकाकर उनको नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हमने बहुत सारे जो लाल है इस वीर धराने भारत माता को दिए हैं, यहां हमारे बगल में माधो सिंह भंडारी जी का यहां इतना अच्छा सुंदर चित्र लगा हुआ है, उनको भी मैं नमन करता हूं, इंद्रमणि बलोनी जी को भी नमन करता हूं, और जिनके अनुसार ये देश चलता है, जिस संविधान से हमारा देश चलता है, देश की व्यवस्था चलती है, ऐसे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी मैं नमन करता हूं कि उनकी प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं। हम सबको पता है कि 19 तारीख को मतदान होने वाला है। अब हर चुनाव में क्या होता है, हर चुनाव में होता है कि चर्चा चलती है देश में, अरे भाई सरकार किसकी बनने वाली है। ये पहला चुनाव ऐसा हो रहा है, इस चुनाव में कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि सरकार किसकी बनने वाली है, क्योंकि सबको पता है सरकार किसकी बनने वाली है। जोर से बोलिए जरा, किसकी बनने वाली है? मोदी जी की बनने वाली है, सबको पता है। ऐसे ही ये मैं उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने में लगभग पिछले 4 महीने में 50 से भी ज्यादा स्थानों पर जा चुका हूं। आपके बीच में भी आया था यहां अगस्त मुनि में, बहुत बड़ा हमारी मातृशक्ति का कार्यक्रम हुआ था, दीदी भूलियों का कार्यक्रम हुआ था, तो उस कार्यक्रम में भी हमने मातृशक्ति का जो उत्साह देखा, ऐसे ही पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं देख रहा हूं कि 5 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक तरफा जीत रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है कि गढ़वाल लोकसभा से कोई और जीतने वाला है। सबको पता है कि गढ़वाल लोकसभा से अनिल बलूनी ही जीतने वाले हैं। अब बस
कंपटीशन थोड़ा क्या हो रहा है, कंपटीशन ये हो रहा है कि उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा वोटों से कौन सी जीतने वाले हैं। मैं तो और पांचों लोकसभा क्षेत्रों में भी अब आपकी लोकसभा में अब भरत चौधरी जी के लिए, महावीर जी के लिए, हमारे यहाँ के सब नेताओं के लिए, जिला पंचायत के लिए मंच पर बैठे हुए अजय जी से लेकर विजय जी से लेकर जो भी हमारे लोकसभा के सुखरी को पूरी लोकसभा में चाहेंगे, सभी विधानसभाएं नंबर वन पर आए, लोकसभा ही पूरी नंबर वन पर आए। लेकिन यहां वालों के लिए और आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए लक्ष्य क्या है? आप लोगों के लिए लक्ष्य है कि जो ये रुद्रप्रयाग जो हमारी विधानसभा है, ये जफौली ब्लॉक है, ये पूरे लोकसभा में नंबर वन आना चाहिए। ये हमारे लिए चुनौती है और चुनौती हमको स्वीकार करनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे कामों के बारे में अभी अनिल बलूनी जी ने आपके सामने बोला, हमारे विधायक जी ने बहुत सारे काम यहाँ जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुए हैं, बहुत काम हुए हैं। अगर उन कामों के बारे में मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आज आप लोगों से बहुत लंबी बात नहीं करनी है, आज तो केवल आप लोगों से मैं कहने के लिए आया हूं कि इस बार देखिए, जो मोदी जी ने जो हमारे सामने एक लक्ष्य रखा है कि अब की बार 400 पार, तो वो 400 पार वो क्या है, एक विकसित भारत की गारंटी है, हमारी माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी है, हमारे यहां पर विकास कोने कोने तक पहुंचाने की गारंटी है, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचाने की गारंटी है। और हमने देखा है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरीके से पूरे देश का विकास हुआ है, और उसके बाद हमारे इस पूरे उत्तराखंड का विकास हुआ है, और उत्तराखंड में भी आज हम केदारनाथ जी की बात करते हैं तो बाबा केदार का जो प्रांगण है, वो प्रांगण बाबा केदार का स्थान केवल उत्तराखंड, केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। हम सबको याद है 2013 में जब आपदा आ गई थी, तो 2013 की आपदा के बाद उस केदारनाथ जी के प्रांगण को, उस केदार बाबा के स्थान को फिर से नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम किसी ने किया तो बाबा केदार के अनन्य भक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी अनिल भाई बता रहे थे कि यहां से कुछ ही सालों में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन पूरी होने वाली है, और इसके पूरा होते ही आप समझ लीजिए कि चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार होने वाला है। हम जिसके बारे में सोच भी नहीं रहे वो होने वाला है। एक से एक काम प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हुए हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की सरकार ने भी अनेक काम किए। अभी मुझे खुशी है कि हमने जो मातृशक्ति के, हमारी महिलाओं के जो उत्सव किए, उस उत्सव में आप सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारी बहनें, हमारी माताएं, उन्होंने दिखाया कि नया भारत कैसे होने वाला है, नया उत्तराखंड कैसे होने वाला है, उत्तराखंड की नई तस्वीर क्या होने वाली है। मातृशक्ति के इन उत्सवों में हम लोगों ने दिखा, एक से एक अच्छे उत्पाद बनाते हैं, अच्छा अच्छा प्रसाद बनाते हैं, अच्छा अच्छा बुनाई का काम, अच्छा सिलाई का काम, अच्छे खिलौने, एक से एक अच्छी पैकेजिंग के साथ हमारे अच्छे अच्छे यहाँ के हमारे मिलेट्स, मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, वो सारा का सारा आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उसकी मांग बढ़ गई है। भाइयों बहनों, हमने जो मातृशक्ति के उत्सव किए उसके पीछे भी हमारा यही था कि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको आगे आना चाहिए। उत्तराखंड में बहुत उनकी संभावनाएं हैं, उनके अंदर हर प्रकार की जो कौशल है वो कौशल से भरी हुई है, इतना अच्छा अच्छा काम करा है। जब हमने यहां अगस्त मुनि में हम आए थे, उस दिन मुझे बताया लोगों ने कि आज तक अगस्त मुनि में शायद इतनी बहनें कभी एक साथ इकट्ठी नहीं हुई, और जब हमने उनके उत्पाद देखे तो वो उत्पाद इतने अच्छे थे,
कि कई बार लगता है कि जो उत्पाद हमारे यहां पर अपने घरों में बनाते हैं, छोटे छोटे रोजगार और स्वरोजगार के साधन खड़े किए हुए, उन मशीनों से उन उत्पादों में इतने अच्छे हैं कि वो मल्टीनेशनल कंपनियों को भी, जो मल्टीनेशनल कंपनियां जानते हो ना, जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फेल करने की अगर किसी के अंदर कौशल है तो हमारे उत्तराखंड की माताओं बहनों के अंदर है। उनकी प्रदर्शनी को मैं कह सकता हूं, भाइयों बहनों, ये हमारा उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है। और देश के अंदर आज जिस प्रकार से सैनिकों के लिए काम हुआ है, मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं, एक सैनिक के परिवार में पैदा हुआ हूं, मैंने देखा है कि एक सैनिक के जीवन में कितनी परेशानी होती है। जब वो फौज में जाता है तो परिवार में पीछे लोगों के अंदर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारे उत्तराखंड की देश की परिपाटी रही है, हंसते हुए सीना चौड़ा करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करने में कभी हमारे उत्तराखंड के लाल, वीरभूमि के लाल पीछे नहीं रहे हैं। आज उत्तराखंड के 1734 से भी ज्यादा जिन वीरों ने अपने देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपना सर्वोच्च बलिदान किया, उनके लिए हम देहरादून में एक बहुत बड़ा सैन्य धाम बना रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस सैन्य धाम को चार धामों के बाद पांचवें धाम की संख्या दी है। भाइयों बहनों, अभी बिपिन रावत जी के बारे में अनिल बलोनी जी ने बहुत विस्तार से बताया। अनिल बलोनी जी ने बताया कि किस प्रकार से जिस वीर जावाद ने पूरी दुनिया को हिला दिया, शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा की, उसके बारे में कांग्रेस के लोगों ने कितने अपमानजनक शब्द कहे। ये हमको भूलना नहीं चाहिए। कभी भी कोई कांग्रेस के लोग उसे तो वोट मांगने आएंगे ही नहीं। कोई आ रहा है क्या वोट मांगने के? कहीं किसी गांव में नहीं देखा होगा आपने, कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि उनके अंदर सामर्थ्य नहीं। उनके बड़े बड़े नेता इस बार चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे। जो भी लड़ रहे हैं उनको जबरदस्ती लड़ाया जा रहा है कि लड़ो 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 धक्का दिया जा रहा है। कोई नहीं है उनके यहां लड़ने वाला। अभी कल ही उनके नेताजी बयान दे रहे थे कि हमारे कार्यकर्ता सुस्त हो गए हैं, हमारी पार्टी सुस्त हो गई है। मैंने मेरे से सब पत्रकार बंधु पूछ रहे थे, भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा ये बहुत दूरदर्शी नेता है, इनका बहुत लंबा अनुभव है, इनको पता है कि 4 जून को जिस दिन रिजल्ट आने वाला है उस दिन क्या होने वाला है। उनको पहले से पता है कि हमारा कहीं खाता भी नहीं खुलने वाला है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, आज सेना की अगर हम बात करते हैं, ये वीर भूमि से देश के लिए सेवा देने वालों की एक बड़ी संख्या देश के अंदर रही है हमेशा से। हमेशा यहां के हर परिवार से कोई सेना में रहा है, कोई अर्धसैनिक बलों में रहा है, कहीं ना कहीं देश में अपनी सेवाएं दे रहा है। और कितने सालों तक, मैं सच बताऊं, आज मैं चूंकि ये बोलना भी नहीं चाह रहा था और यहां पर आया तो अनिल भाई का जब भाषण सुन रहा था तो इन्होंने जब जनरल बिपिन रावत जी की बात करी, अनिल चौहान जी की बात करी, सैनिकों की बात करी, मोदी जी की बात करी, तो मुझे याद आ गए मेरे पूज्य पिताजी, जिनका आज से 4 साल पहले देहांत हो गया। वो अपना शरीर पूरा करके परमलोक को उनका गमन हो गया। तो वो जिस दिन 2014 में मोदी जी ने पहली बार वन रैंक और वन पेंशन लागू किया, तो उस दिन मुझे कह रहे थे कि तुम्हें भी धन्यवाद दे रहा हूं कि तुम्हारी पार्टी ने जो है वन रैंक और वन पेंशन लागू किया। तो भाई बहनों, आप समझ सकते हैं कि मैं उस समय विधायक था, मेरे पिताजी मुझसे उस समय कह रहे थे कि मैं तुम्हारे माध्यम से मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने समय से जो रुकी हुई हमारी ये स्कीम थी उस स्कीम को मोदी जी ने लागू किया है। आप देखिए, जो बॉर्डर पर काम करते हैं, कोई सियाचिन में काम करता है, कोई कश्मीर में काम करता है, बॉर्डरों पर जो काम करते हैं माइनस डिग्री तापमान पर, हमारे केदारनाथ जी में जितना तापमान होता है उससे कहीं और कम तापमान पर, माइनस डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री तापमान पर। और कई सालों से सेना की मांग थी कि इनको अच्छे बूट मिलने चाहिए, अच्छे जैकेट मिलने चाहिए, अच्छे इनके पास हथियार होने चाहिए। लेकिन इतने सालों तक, 60 सालों तक जिस पार्टी की सरकार रही उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी, उसने कभी ना बूट दिए, न कभी अच्छे उपकरण दिए,
न कभी सैनिकों के अच्छे जैकेट दिए, न उनको कभी अच्छा प्रोत्साहन दिया। भाइयों बहनों, हमेशा सैनिकों का मनोबल गिराने का काम किया। मैंने देखा है कि बहुत सारे सैनिक, आप लोग भी अगर आपके आसपास होंगे, तो जो बर्फ में जब वो ड्यूटी करते हैं माइनस तापमान में, तो एक पैर में कीड़ा लग जाता है। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।